ज्योतिष आचार्य जी, नवरात्र का त्यौहार आने वाला है। नवरात्र के त्यौहार में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कोई भी कार्य उनका पूरा नहीं हो रहा है, वो क्या उपाय करना चाहिए नवरात्र के दिनों में उनको? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। शारदीय नवरात्र का आरंभ जो है इस साल 2024 में 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, और संयोगवश जो है इस वर्ष दुर्गा पूजा में हस्ता नक्षत्र पड़ रहा है। हस्ता नक्षत्र में ही कलश स्थापन होगा, जो कि शास्त्र मत से बहुत सुंदर है। गुरुवार का दिन है और हस्ता नक्षत्र है, इसमें कलश स्थापन होगा, उसी दिन से नवरात्र प्रारंभ होगा। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में अशांति है, आपके घर में हर समय कलह होते रहता है, व्यापार में आपको घाटा ही घाटा लग रहा है, व्यापार आपका चल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, तो इसमें करना क्या है? ऐसे संजोग में आपको जो गुरुवार से कलश स्थापन है, यदि आप कर सकें तो प्रत्येक दिन कुमारी को आप भोजन कराएं। यदि आप प्रत्येक दिन 9 दिन तक लगातार यदि कुमारी का भोजन करते हैं, तो आपके घर में निश्चित शांति होगी और आपका व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा। और यदि आप 9 दिन तक नहीं कर सकते हैं, तो महाअष्टमी के दिन आप 9 कुमारी का भोजन एक साथ विदाई करें, और कुमारी के कोछा में नवमी के दिन अक्षत, हल्दी और द्रव्य दे करके विदाई करें। आपके घर में शांति होगी और आपका व्यापार निश्चित रूप से चलेगा।